बनने वाली है इंडिया गठबंधन की सरकार। नीतीश कुमार कभी भी मार सकते हैं पलटी, और वो पलटी क्यों मारेंगे ये है सबसे बड़ी वजह। आप भी देख लीजिए, हम आपको दिखाने वाले हैं सबसे बड़ी वजह कि क्यों मारने वाले हैं नीतीश कुमार पलटी। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। सबसे बड़ी वजह यह है कि जब बीजेपी सरकार ने चंद्रबाबू नायडू पर ईडी कार्रवाई कर रही थी, तब चंद्रबाबू नायडू विरोधी नेताओं द्वारा उनकी पत्नी पर टिप्पणियां की गई थी। टिप्पणियों से आहत होकर चंद्रबाबू नायडू रो रहे थे। नायडू ने कहा था कि उनके परिवार की महिलाओं का चरित्र हनन किया जा रहा है और आज चंद्रबाबू बीजेपी के साथ हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस कहती है, चचा उठो, जागो और लड़ो, इन्हें जवाब दो। अगर भाजपा आ गई तो कोई भी उड़िया सुरक्षित नहीं है, कोई माँ सुरक्षित नहीं, कोई घर सुरक्षित नहीं, कोई जंगल सुरक्षित नहीं, कोई पानी सुरक्षित नहीं, कोई नौकरी सुरक्षित नहीं। समुद्री माफिया, खनन माफिया, मछली पालन माफिया सभी यहाँ आ रहे हैं। बीजेपी आप सभी को बेवकूफ बनाने के लिए एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार कभी भी बन सकती है। साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा था कि मोदी आतंकी है। इसी के साथ ध्रुव राठी फैन पेज ने कहा, क्या आंध्र प्रदेश में ऐसा विरोध भाजपा को समर्थन देने के लिए भी हो सकता है? राहुल गांधी ने आरोप लगाए, 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। राहुल बिना डरे बीजेपी के घोटाले जनता से उजागर कर रहे हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की एनडीए से बात नहीं बनी, वह अब सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन से बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन आज बहुत बड़ा खेला करने वाला है। चाहे तो लिख कर ले रहो, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने के बाद हज यात्रा के लिए मुस्लिम तीर्थयात्रियों को 1 लाख रुपये की मदद दी जाएगी, जिस शर्त को बीजेपी वाले शायद ही मानेंगे। क्या चंद्रबाबू नायडू अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे? क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे और इंडिया की सरकार बनाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ध्यान रहे, आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि आपके शेयर से बहुत कुछ हो सकता है। लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि सरकार जनता बनाती है।